मैं दुर्गेश जायसवाल। दोस्तों सीटेट की जो क्लासेस चल रही थी वो प्रॉपर वे में चल भी रही हैं, और जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था और जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन किया था उनको हम बता दें कि सीटेट की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की क्या प्रोसेस है और अगली बैच कब चलेगी और आप किस बैच में सम्मिलित हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप मुझे सीटेट की कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्यों मुझसे ही जुड़ेंगे। देखिए आप कहीं भी सीटेट की परीक्षा की तैयारी करेंगे, किसी भी कोचिंग संस्थान में या किसी भी अन्य ऑनलाइन क्लासेस को आपने अगर ज्वाइन कर रखा है या मेरी क्लासेस ज्वाइन कर रखा है तो देखिए आपको फायदा क्या होगा। अगर आप मेरी कोचिंग ज्वाइन करते हो उससे क्या क्या फायदे होंगे, जैसे यदि आपने सीटेट क्लासेस हमसे ज्वाइन किया तो सीटेट पढ़ने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि सीटेट के बाद आप यूपीटेट भी दे सकते हैं, सुपरटेट भी देंगे और केवीएस भी देंगे। तो जब आप सीटेट हमारे यहाँ से पढ़े रहेंगे, अगर आपको यूपीटेट देना होगा तो सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि हमें ये पता है कि मैंने आपको सीटेट में क्या क्या चीजें किस किस बेस पे पढ़ाई है और यूपीटेट में आपको क्या क्या अलग से पढ़ानी है। फिर सुपरटेट में, क्योंकि इनके बाद सुपरटेट और यूपीटेट इस समय बड़ा समय कम मिलता है जब एग्जाम सर पे होता है, तो हम लोग तैयारी क्या करते हैं, हर चीज प्रारंभ से पढ़ते हैं क्योंकि हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। इसी बीच हमें भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पहले की पढ़ी है, क्योंकि पहले की पढ़ी चीज़ों को केवल रिवीजन करना होता है जबकि नई चीज़ों के लिए अलग से पढ़ना होता है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, जैसे सीटेट कहीं आपने और पढ़ा, यूपीटेट कहीं और पढ़ा, सुपरटेट कहीं और पढ़ा या किसी अन्य कोचिंग में पढ़ा, वो सब करते क्या, सारे प्रोसेस को पुनः प्रारंभ से पढ़ाते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगता है और आपको पता है इस बेरोजगारी की भीड़ में नौकरी के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी है कि हम हो चाहे आप हो सबके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है। फिर प्रश्न उठता है कि हम करें क्या, सीधी सी बात। लेकिन अगर आप मुझसे ज्वाइन करते हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, जैसे मैंने गणित में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ाई है, क्योंकि सीटेट में पूरी बेसिक पढ़ानी है, यूपीटेट में आप उस बेसिक को ना पढ़ा कि आप डायरेक्ट मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा तो जिनको गणित नहीं आती वो भी सीख लेंगे। फिर आते हैं सुपरटेट की बात, सुपरटेट में समय कम होता है और वहाँ मार्क करना है, सीटेट तो यूपीटेट केवल क्वालिफाई करने हैं लेकिन वहाँ पे आपको मार्क गेन करने हैं। जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतने आपके पॉसिबिलिटी नौकरी के लिए चयनित होने की उतने प्रबल होगी, तो अपनी दावेदारी प्रबल होने के लिए आप स्कोर करना चाहेंगे। गणित सब्जेक्ट में आपकी समस्या, हिंदी की बात लेते हैं तो हर एक सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो गणित चाहे पर्यावरण की बात करें, सीटेट की पर्यावरण थोड़े से अलग, यूपीटेट में एकदम डिफरेंट। लेकिन फिर आते हैं जब सुपरटेट की बात करते हैं वहाँ भी 10 नंबर के पर्यावरण, तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हर बार एक ही चीज़ बार बार पढ़ा जाए, कि हर बार सिलेबस में कुछ चीज़ें नई भी होती है, तो जो चीज़ें पुरानी हमने पढ़ी है उसे हम रिविजन करेंगे बाकी नई चीज़ों का पुनः अध्ययन करेंगे, इससे हम कम समय में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। कभी आप सोच के देखिएगा कि हम आप पढ़ते हैं हर बार पूरी सिलेबस को पढ़ते हैं, किसी कोचिंग में दाखिला लेते हैं तो आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा या आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई व्यक्ति हो जब भी किसी परीक्षा की या भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम लोग शुरू से पुनः से नए सिरे से अध्ययन अध्यापन करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप सोचिए कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें बार बार पढ़ने को मिलती है और वही पढ़ते पढ़ते परीक्षा सर पर आ जाती है, हम नई चीज़ों का कलेक्शन नहीं कर पाते, फिर हम सर पीटते करें बाप रे मेरा तो नहीं हो पाया, जबकि वास्तविकता ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं आपने मेहनत नहीं किया, बस ये कि आपने रणनीति सही नहीं। और अगर आप चाहे जहाँ भी पढ़ें इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप उन टॉपिकों को ध्यान देते चलिए क्या क्या आपने पढ़ा है और किन किन ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं और किन किन चीज़ों को भी आपको नया पढ़ना है और किन किन से भी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, क्योंकि हमारे जो सीटेट की ऑनलाइन बैच चली थी वह बैच पूरी तरह से 15 मार्च के बाद क्लोज हो जाएगी, फिर नई बैच 21 तारीख से शुरू होगी। आप एडमिशन लेना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है, साथ ही साथ क्योंकि उसके बाद ये बैच भी खत्म होने के बाद फिर हम उसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट कुछ पीडीएफ फाइल नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और प्रैक्टिस सेट सबसे अहम जो है वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा सीटेट के ऑनलाइन क्लासेज में। और मार्केट से कोई किताब नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट से जितने भी किताब है सीटेट से उसका जमीन और आसमान का फर्क है। सीटेट की जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट है वो भी जैसा पेपर आता है उनसे बड़ा डिफरेंट है, तो फिर भी अब समस्या होती कहाँ चुनाव करें, तो अगर आपको लगता है मैं आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकता हूं तो आप मोस्ट वेलकम है, क्योंकि जो पिछली बैच चल रही है वह एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 15 मार्च तक है, 15 मार्च के बाद यह फर्स्ट बैच जो होगी वो पूरी तरह से एडमिशन के लिए क्लोज हो जाएगी, फिर सेकेंड बैच सीटेट की 21 मार्च से पुनः प्रारंभ होगी। अगर आप चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है 21 मार्च के लिए सेकेंड बैच, और 15 मार्च के 16 मार्च के बाद फिर जो है रेलवे की बैच प्रारंभ कर दी जाएगी अमित सर के द्वारा। लेकिन सीटेट की ये दोनों बैचेज, ये फर्स्ट बैच और सेकंड बैच, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि मैं आपको 7 जुलाई तक इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आप सीटेट यूपीटेट दोनों के लिए पूरी तरह से अपने आप में यह महसूस करेंगे नहीं अब मैं बेहतर कर सकता हूँ।
लेकिन सीटेट की एडमिशन प्रक्रिया अलग, यूपी टेट की अलग, सीबा टेट की अलग है, लेकिन सीटेट में ही क्योंकि समय बड़ा लंबा है और इतने समय में आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से पढ़ाई और समझाई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा, आपके पास भी समय ज़्यादा है। क्योंकि इसके बाद देखिए, अगर हम पिछले परीक्षाओं का अगर देखें तो वहाँ पर हमें एक एक महीने का अंतराल मिलता था और एक सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल था, और हम आप ये मत सोचेगा कि यह परीक्षा हमें किस तरह से देना है, या परीक्षा तो हमारा मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, चलो देखते हैं बाद में यूपी टेट पास करेंगे, ऐसा सोच के मत दीजिएगा। हर परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा होती है, क्योंकि जब आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आप अंदर से खुश स्वयं से मोटिवेट होते हैं और आप बढ़िया करने के लिए एकदम पूरी तरह से तत्पर और तैयार होते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि यदि आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, और साथ ही साथ जिन साथियों को केवल नोट्स चाहिए या जिन साथियों को केवल नोट्स चाहिए, वे सभी साथी आप 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक नोट्स के लिए हमें आप बता सकते हैं, और 15 मार्च इसके बाद हम 1 अप्रैल से आपको नोट्स देना प्रारंभ करेंगे। लेकिन मैं नोट्स जो दूंगा वो केवल 20 से 30 सेट ही दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा मेरे पास उपलब्ध नहीं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मैं ऑनलाइन जो हमारे यहाँ जुड़े हुए उनको मैं PDF फॉर्म उपलब्ध कराऊंगा, और आपको हार्ड कॉपी में अगर चाहिए तो इतनी कॉपी मिल पाएगी, क्योंकि जो ऑनलाइन बैचेज हैं वहाँ आपको हम PDF फॉर्म में उपलब्ध कराएंगे सभी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके विद सॉल्यूशन प्रोजेक्टर के माध्यम से हम आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर देंगे सीटेट के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच आप हमें बता सकते हैं कि नोट्स 15 से 25 मार्च तक कि कैसे आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि तब हम 1 अप्रैल से आपको डिस्पैच करना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ इन सभी का जो प्रोसेस है आपको बता दें कैसे, अगर आपको सीटेट क्लास ज्वाइन करना है तो एक नंबर है उसे लिख लीजिएगा 6306394367 पर ज्वाइन CTT लिखकर आप मैसेज करेंगे, आपको सीटेट से जुड़ने के लिए सारे प्रावधान बता दिया जाएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप सीटेट नोट्स लिख के जैसे ही भेजेंगे आपको नोट्स से संबंधित सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। ये आपको क्लास के लिए है और ये आपके नोट्स के लिए है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से जुड़ना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और साथ ही साथ यदि आप नहीं जुड़ना चाहते फिर भी वीडियोज आपको कुछ वीडियोज आपको अगर चाहिए, कुछ वीडियो प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो ठीक, अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा और सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। क्या करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, आपके सामने आ जाएगी। अगर टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, कॉर्नर पे होगा, जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा ई-लर्निंग विथ दुर्गेश, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। पुराने सभी आपको मैसेज, जितने भी वीडियोज हैं, आपको नोट्स, वीडियोज, यहाँ पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे प्राप्त हो पाएंगी। संपूर्ण चीजें इसलिए नहीं क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास लेंगे वो कहते हैं सर कि जब मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया सबको फ्री में सारी चीजें मिल जा रही, तो हम लोग को ज्वाइन करने से क्या मतलब। ठीक, तो यह है आपके लिए। और साथ ही साथ अगर आप सभी, अगर आप को फेसबुक यूजर है तो ये सारी वीडियोज लेक्चर सारे नोट्स आपको फेसबुक पर भी इन लर्निंग विद दुर्गेश हमारे फेसबुक पेज से उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा जहाँ से आप प्राप्त करके ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर हमें फ्री आप में पढ़ाएं, तो ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो जिनके पास जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, जो इस योग्य नहीं है कि वो पढ़ना चाहते हो लेकिन उनके माता पिता या उनके द्वारा ऐसी स्थितियां नहीं उत्पन्न है कि आप पढ़ सके, तो उनका भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं, हम उनको जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन बात यह है कि मैंने हर बार जब ये बात का ऐलान करता हूँ कि जो योग्य नहीं है किसकी समझ कि आर्थिक रूप से और वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं जरूर तत्पर हूँ, खड़ा रहूँगा। लेकिन सारे लोग फोन करते हैं तो यही कहते हैं सर मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो फिर एक प्रश्न उठता है कि कई बार लोगों ने मुझे कहा कि सर अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं अगर आपसे सूचनाएं मिली, ऐसा नहीं, तो वास्तव में आपसे किसी अन्य व्यक्ति का मजाक ना उड़ाइएगा। कारण क्या है, ऐसा करके आप उन्हें जिन्हें मैं वास्तव में लाभ पहुंचाना चाहता हूं, जिन्हें मैं लाभ देना चाहता हूं, उनसे आप उन्हें वंचित कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह से आप ना करेगा वास्तव में जो उसके योग्य जो ऐसे समस्या जिनके पास हो वो हमसे जुड़ सकते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर आपके पास ये समस्या नहीं है तो आप इस तरह से ना करेगा, क्योंकि अन्य लोगों से फिर मेरा भरोसा उठ जाएगा। और रही बात, फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर हमें
फ्री में ही पढ़ाए तो ठीक है, फ्री में के कारण क्या है, देखिए मेरे पास भी जैसे मैं भी आपके तरह मैं भी एक इंसान हूँ, तो आप भी मेरे पास भी सारे, जैसे आप प्रशिक्षु हैं, आप भी अभ्यर्थी हैं, तो मैं भी अभी भी अभ्यर्थी हूँ, तो मेरे सामने भी वही समस्या है जो आपके सामने समस्या है। मैं इतनी वीडियोज बनवाना, सारे टीचर को पे करना, वाइट बोर्ड खर्च, मार्कर, रूम रेंट, अन्य सभी के साथ साथ फिर 4 एम्प्लॉई हैं, उन सभी को मैं भी, मुझे भी मैनेज करना पड़ सकता है और पड़ता है। इसलिए आप ये सोचिए कि जैसे कि आप कहीं भी पढ़े जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी अन्य जगह जाएंगे तो आप बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फी के पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ फी तो आप जरूर करेंगे। इसलिए यदि उसी छोटे से फी से यदि मेरी मदद भी हो जाएगी और आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो क्या इसमें क्या नुकसान है, क्या क्या बेहतर विकल्प नहीं है? लेकिन फिर भी ये आपका स्वविवेक है, आप स्वतंत्र हैं, आपकी जो इच्छा करे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सीटेट के लिए यदि आपको लगता है प्रॉपर वे में सीटेट क्वालिफाई होना है, तो आपका मेरे यहाँ मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मेरे यहाँ का जो सीटेट का रिजल्ट रहा है वो पॉजिटिव और 100% रहा है, जिससे मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। और जो भी प्रतियोगी व्यक्ति या जो भी सीटेट की तैयारी 6-9 दिसंबर वाले परीक्षा में जिन्होंने हमारी संस्था से किया था, वो सभी लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन्होंने पूरा क्लासेज हमारी की हो और उसका वो क्वालिफाई ना किया हो, जबकि पूरे देश का जो रिजल्ट आता है वो 9-11% होता है, जबकि हमने लगभग 100% रिजल्ट दिया। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहा दुर्गेश सर मैं आपके यहाँ पढ़ा, पूरी कोर्स किया और मैं सीटेट क्वालिफाई नहीं हो सका। तो इसलिए एक बेहतर रणनीति के तहत यदि पढ़ा जाए, और सबसे बड़ी बात आप घर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। NCERT किताबें, अगर किताब चाहिए तो NCERT किताबें आप ले सकते हैं। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी आप सभी के लिए नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, और मेरा उद्देश्य है ताकि आप कुछ बेहतर कर सके, आप क्वालिफाई हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, इन तीनों को गुत्थी को एक ही धागे में पिरो के इस तरह से तैयारी करिए कि सीटेट के बाद यूपीटेट और सुपरटेट में आपको जब अगली तैयारी करनी पड़ी तो पुनः नए सिरे से न करना पड़े, बस उन चीजों को पढ़ना पड़े जो आप अभी छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए मुझसे अगर आप जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे पता है और मैं पढ़ाता रहूंगा। लेकिन अन्य संस्था में ये समस्या आएंगी कि वह हर बार वो नए तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे लिए पुराने अभ्यर्थियों की नई व्यवस्था, नए अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। कारण इसका यह है कि मुझे परिणाम देना है, और परिणाम हम देंगे इसके लिए मेहनत आपको करना होगा, हम भी मेहनत करेंगे, अगर साथ आप भी मेहनत करेंगे तो फिर सफल होने से कौन रोक सकता है। तो फिर आप सभी साथियों को मैं ये बात कहना चाहूँगा, आप वीडियोज़ को लाइक करें ना करें शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जिसको मेरी ज़रूरत हो सकता है उसकी आपके शेयर करने से उनमें मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए या उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए और आपकी भी मदद हो जाए, क्योंकि ये मेरी संस्था काफ़ी छोटी है, जैसा कि आप सबको शायद नहीं पता होगा लेकिन लगता होगा कुछ, लेकिन हम एक मिनट के लिए आपको दिखाना जरूर चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा इस तरह से, तो देखिए कहने के लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनका कहना अधिकार है, लेकिन अगर आप अपनी गरिमा में रह कर कहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए जिस संस्था में मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ भी ये वीडियोज बनते हैं, उस संस्था के बारे में देख लीजिए, ये दीवारें हैं, ये उसकी छत है, शायद आपको दिख रहा होगा, जस्ट अभी लाइट भी आ गई, तो ऐसी बात नहीं है, देख रहे हैं तो शायद आपको दिख रहा होगा। तो बस यही है छोटी सी हमारी संस्था, जिस संस्था में मैं खड़े होकर, जहाँ मैं खड़े होकर आपको पढ़ाता हूँ, बस आपके लिए ये बेहतर है कि यदि आप कहीं जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं आप दुर्गेश सर के साथ सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। अन्यथा आप फ्री के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको सभी मैटर लगभग उपलब्ध होंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे वह इलेनी भी दुर्गेश, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे आपका फेसबुक हो, वहाँ से दोनों जगह से आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अन्य किसी भी समस्या के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, अन्य किसी समस्या के लिए आप कमेंट करके सकते हैं, मेरे फेसबुक पे भी, इलेनी भी दुर्गेश पेज पे भी, जो आप समस्या अपनी समस्या बताएंगे हम सदैव आपके साथ रहेंगे। बस आप, हम मेहनत करेंगे, आप भी साथ मेहनत करेंगे तो परिणाम बेहतर होगा, और पुनः 100% परिणाम आने की प्रबल संभावना है। तो हमारे यहाँ नोट्स और नई बैच को मैं पुनः बता दूँ, 21 मार्च से सीटेट की नई बैच, यह बैच जो भी चल रही है ये 15 मार्च के बाद इसकी एडमिशन नहीं होगा। यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें यह जल्दी कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा और संभवतः 1 अप्रैल से इसमें ST प्रारंभ हो जाएगा, ST माने स्पीच टेस्ट, तो आप भी इस बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। अन्यथा नई बैच 21 मार्च से जिसका ओपनिंग होना है उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम है, और आप चाहें तो उस बैच में भी जुड़ सकते हैं, नए या पुराने वो आपके ऊपर है। एडमिशन प्रोसेस चालू रहेगा और चालू तब तक रहेगा जब तक आप सभी सफल ना हो जाएं, क्योंकि और फिर आप NCERT किताब ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो उसकी PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल इलेनी गुदुर्गेश उपलब्ध करा दूंगा, और साथ ही साथ उसकी PDF फाइल मैं अपने फेसबुक पेज इलेनी गुदुर्गेश उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप सब
डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का और टेलीग्राम दोनों का लिंक है। इस वीडियो लिंक को सभी तक शेयर कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, साथ ही साथ परिणाम बेहतर देने का प्रयास करिए और पढ़ाई एक रणनीति के तहत करिए। सफलता से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि इस रेस में आपकी तरह कई लाख प्रतिभागी शामिल हैं और आपको तभी सफल होंगे जब आप उनसे कुछ अलग और जब आप उनसे बेहतर करेंगे। और वास्तव में आपके अंदर कुछ बेहतर करने के गुण हैं, तो आप इस गुण को प्रदर्शित कीजिए और अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।